नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। हिंदू चेतना मंच की बैठक का आयोजन आज शाम 4 बजे के मेमोरियल स्कूल में हिंदू चेतना मंच की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चुनरी यात्रा के संचालन के लिए समिति का भी गठन किया गया, जिसमें पुनः अध्यक्ष ब्रजमोहन शरावत बनाए गए, उपाध्यक्ष दिलीप सोलंकी, कौसरवाल रविराज मेवाड़े, उमेश शर्मा, सह सचिव राधा रमन पुष्प पद एवं भगवत सोनी, कोषाध्यक्ष सुशील शर्मा, हिंदू चेतना मंच के संरक्षक राजेश जोशी, ज्योति प्रकाश वाजपेयी, सोम कलेशा, मुकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। हिंदू चेतना मंच की नगर बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष निकलने वाली चुनरी यात्रा की सूचना एवं तैयारी के लिए हिंदू चेतना मंच राजगढ़ नगर बैठक का आयोजन कल रविवार 18 सितंबर को शाम 4 बजे परैंट चौक समिति में रखी गई है, जिसमें सभी भक्तगण सदर मंच पे सब लोग एक होकर के एक भाषा में बात करेंगे, लेकिन मंच से नीचे आने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम इस काम को कुछ नहीं कर सकते। अरे पहले बोला, सबसे पहले मैं उपाध्यक्ष के लिए नाम रख रहा हूँ, तो माला की तरफ से बिना कर दिया सर, उपाध्यक्ष की घोषणा कर रहा हूँ। मेरा नाम आ रहा है सुरेंद्र कोतरवाल जी, हिंदू चेतना मंच के उपाध्यक्ष। दूसरा नाम आ रहा है दिलीप सिंह सोलंकी जी, हिंदू चेतना मंच के उपाध्यक्ष। देखिए, कुछ न कुछ कमी हमेशा होती है, और ये इतना बड़ा कार्यक्रम है अपने आप में कि हम ये चाहेंगे तो 100% हमारी इच्छा के अनुरूप हो जाए संभव नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक है, ये समय वो उससे ज़्यादा बढ़ी है। इस बात का ध्यान रखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है इस चुनरी यात्रा में जिस जिसको दायित्व सौंपा जाए, हमारे 30 लोगों का यहाँ पर गठन हुआ है, 30 लोगों को पुलिस